प्लान्ड वीडियो होते हैं ना उनसे अलग है, बना तो कुछ और रहे थे लेकिन उसे हटके एक दूसरा वीडियो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रीजन आप समझ ही गए होंगे, बहुत सारे कमेंट्स मैं रिसीव करती हूँ जैसे ही एक माइलस्टोन जो है चैनल कवर करता है या पार करता है। तो जैसे ही 600 के हुए तो मॉर्निंग में मैं जब उठी थी, हालांकि वो रात में ही हो गए थे, तो मुझे मॉर्निंग में बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है ग्रीटिंग्स मिली, मैसेजेस मिले। तो मैंने तो सोचा था कल ही मैं आप लोगों के साथ मतलब एक अच्छा सा वीडियो और आप लोगों का थैंक यू बोल के शेयर करूं, लेकिन कल का वीडियो एक आयरनिंग के ऊपर था ना, कुछ टिप्स था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं आप लोगों को ना जो मुझे मन कर रहा है कहने का, और वो है कि एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि हमने 600K अचीव किया है। हाँ, जब मैंने YouTube का चैनल स्टार्ट किया था तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह से हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बहुत अलग था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू तो एक बहुत ही छोटा सा शब्द होता है जिसे हम बस अपनी फीलिंग कन्वे आप तक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस की माध्यम से आप लोग ये बहुत अच्छे से समझते हो कि मेरी फीलिंग्स जो है मेरे दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आप सबके लिए क्या है। तो उसमें यही है कि आप इस तरह से ही आगे भी मेरा साथ दीजिएगा और एक हेल्दी फीडबैक दीजिए, कहीं पे भी कुछ गलत लगे तो मुझे टोकिए, और एक अच्छा सा जिसे कहते हैं ना रास्ते का मार्गदर्शन करना, वो आप लोग करते रहिए। तो जब ये वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं आप लोगों के कुछ जो कॉमेंट्स होते हैं उनका आंसर करूंगी। तो कोशिश करूंगी, मैंने नोट कर रखे हैं यहाँ पे सारे कॉमेंट्स, कोशिश करूंगी कि जो भी मैं ले सकूँ, क्योंकि होता क्या है जब मैं किसी भी चीज के ऊपर आप लोगों से अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करती हूं तो वो बात थोड़ी लंबी हो जाती है। तो जो भी चीजें आ रही हैं, कमेंट्स पहले से आ रहे हैं ना, मतलब जो ज्यादा हैं, मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी। एक क्वेश्चन जो एक कमेंट मैं मतलब इन होल एक मतलब आपको बता रही हूं, जो ये आता है कि हम जो हैं पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, और वो हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली है, तो हम किस तरह से उन सब चीज़ों को शुरू करें। तो मैं देखो एक चीज़ इसमें ये बोलूँगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या होता है ना, हम किसी चीज़ का या किसी गोल के बारे में जब सोचते हैं तो उससे पहले जो है ना अपना दिमाग सेट करना पड़ता है। ये नहीं होता कि जैसे कि मैंने आज सोचा कि मैं पढ़ाई शुरू करूंगी और मैंने कल से वो पढ़ाई शुरू कर दी। उसके लिए हमें अपने दिमाग को जो है बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। यानी होता क्या है, हम चीज़ की प्लानिंग करते हैं और फिर उसे अपनाते हैं, फिर वो हमारी आदत बन जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आज अगर आप प्लान करेंगे कि मुझे कुछ पढ़ना है तो आज आप प्लान करेंगे, धीरे धीरे उसे शुरू करेंगे, धीरे, जैसे आज केवल 15 मिनट पढ़ पाए, फिर 20 मिनट पढ़ पाए, क्योंकि टाइम शुरुआत में इतना ही निकलता है। लेकिन जैसे जैसे आप किसी चीज में घुसते हैं उसके बाद जो है आप खुद देखते हैं कि आपके रास्ते बनते चले जाते हैं। जैसे कि मुझे छत पे जाना है तो मुझे क्या करना है, एक सीढ़ी बनानी है और तब मैं ऊपर तक पहुंच पाऊंगी, लेकिन उसके लिए ना एक एक स्टेप चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमें सब चीजें तैयार मिलती हैं और हम चढ़ जाते हैं और हमें चीजें मिल जाती हैं। अगर ये इतना ही आसान होता तो ये एक समस्या की तरह से आपके सामने नहीं आता कि मैं कैसे और क्या करूं, क्योंकि हम सबके सामने जो अपनी कंडीशंस होती हैं हम उनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगी, कोई भी गोल को जो है बनाने से पहले दो चीज जो मैंने आपको हमेशा बोली है अपनी पर्सनैलिटी में से बिल्कुल हटा दीजिए, तब आप कुछ प्लान कर सकते हैं, प्लान भी नहीं कर सकते हैं उससे पहले, और वो है मैंने आपको बताया झूठ और डर। बिल्कुल राहु केतु होते हैं ये झूठ और जो डर होते हैं। झूठ को अपनी लाइफ से हटाते जाइए, डर अपने आप खत्म होता चला जाएगा, और जिस चीज की जरूरत है ना कॉन्फिडेंस, वो अपने आप आता जाएगा। तो ये तो था पहले कमेंट का जवाब कि आपको अपने लिए समय कैसे निकालना है। शुरुआत करिए, सबसे जरूरी यही होता है, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मतलब हम समीरा जी पूछती हैं, अगर मुझे उनका नाम सही याद है तो, और अगर मैं गलत ले रही हूं तो प्लीज सॉरी। तो उनका कहना यह है कि हम जो है मनी सेविंग के ऊपर, कि हम पैसे कैसे बचाएं। तो देखो होता क्या है, एक हाउसवाइफ के पास जो इनकम होती है वो क्या होती है, जो उसे मिलती है घर को चलाने के लिए। तो आपको बस ये देखना है कि हर चीज की प्लानिंग आप किस तरह से कर सकते हैं,
और जैसे घर में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जहां आप पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे हैं, तो आप क्या करिए, एक डायरी में वो सारे एरिया लिखिए जहां आपको वो पैसा खर्च करना होता है और हर एक में से कोशिश करिए कि मैं थोड़ा सा भी कैसे बचा सकती हूँ। और जब आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना तो आपको एक बहुत बड़ा फिगर दिखाई देगा। और इस कॉमेंट का आंसर मैं कुछ इस तरह से दे रही हूँ कि देखो, इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि आपकी कमाई कितनी है, क्या कमाया। तो देखो, पहली कमाई अगर मैं बात करूँ तो पहली कमाई तो वो थी जो मुझे शादी के बाद अपनी मुंह दिखाई में मिली थी। शादी होकर आई थी एक छोटी सी उम्र में और मुंह दिखाई में जो पैसे मिलते हैं वही पैसे मेरे पास थे, तो मैंने उन पैसों को ही जोड़ा था उससे, अपने लिए एक चेन बनवाई थी, गोल्ड की चेन बनवाई थी मैंने, और उस पैसे से को मैंने बचा के ना कई कई साल तक चलाया था, जब तक कि मतलब 2-3 साल तो मैंने वो पैसे चलाए थे, थोड़ा थोड़ा खर्च करती थी। तो है क्या, पैसा जो है, अगर कमाई की बात करें तो पैसा कमाना एक्चुअली पैसा बचाना ही होता है। तो अगर आप पैसे बचा पा रहे हैं घर के खर्चे में से तो वो आपकी एक कमाई ही होती है। वैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें जो मैं करती हूँ पैसे बचाने के लिए, कुछ जो सेविंग्स जो मैं कर लेती हूँ उनको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती हूँ, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं जो एडजस्ट मैंने अभी आपको बताया है। और देखो, घर की समस्याएं एक ऐसा टॉपिक जो कि सबके साथ है, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पे समस्याएं नहीं होंगी। और अगर कोई ये कहता है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है कि प्रॉब्लम होते हुए भी वो उनको इतनी स्मार्टली टैकल कर रहे हैं कि उन्हें वो समस्या दिख ही नहीं रही है। तो देखो, समस्याओं का मतलब ये होता है कि मैं इसको ऐसे समझाती हूं, देखो कोई भी चीज प्लान करके तो मैं आपको आंसर नहीं करती हूं। तो अगर देखो, समस्याओं को डील करने का मतलब ही जो है एक सक्सेस होती है। देखो, सक्सेसफुल वो नहीं होते जो एक आइडियल कंडीशंस में कुछ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सक्सेसफुल वो होते हैं, या मैं कहती हूँ बड़े लोग वो होते हैं, ग्रेट जिनको हम बोलेंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा बुरे टाइम को हैंडल करना सीख लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने, आप एक अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, तो आप जो सबसे जो भी खराब टाइम है ना उसे हैंडल करना सीख लो। अगर आप उसे हैंडल करना सीख लोगे ना तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएंगी, इनफैक्ट कोई समस्या प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। और इसको हम करेंगे कैसे, एक इंडिविजुअल की तरह से मैं बताती हूँ। शुरुआत में जैसे मुझे अपनी फ्रेंड्स में बहुत भरोसा रहा है और बहुत सोच समझ के मैं दोस्त बनाती हूँ, उसमें क्या होता था, मैं चीजें शेयर करती थी लेकिन वो जो मुझे आंसर करते थे उनसे मैं मोटिवेट होती थी, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं होता है जो दोस्त हमें बताते हैं। आप मोटिवेट हो जाते हैं ताकि आप उस समस्या को हैंडल कर सकें। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, आप अपने लिए खुद के जो है काउंसलर बन जाओ। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई, आप बैठो और उसमें खुद को ही समझाओ। बेस्ट काउंसलर जो कोई होता है वो आप खुद होते हैं। जैसे कि मेरे सामने तो मतलब सालों से प्रॉब्लम्स ही आती गई हैं, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि प्रॉब्लम जिसकी वजह से आ रही थी वो घर का ही मेंबर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक फाइट तो कर ही नहीं सकते हो, आपको क्या करना है, उस समस्या को खत्म करने का सबसे अच्छा इलाज ये है कि उसका अफेक्ट आपके ऊपर ना आने दें, उसका असर आप अपने ऊपर ना आने दें। तो अपनी काउंसलिंग खुद करिए, अगर इन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, इस तरह से कुछ काउंसलिंग आप खुद समझिए, जैसा भी आपका नेचर है, खुद की काउंसलिंग करो, बड़ा मजा आता है उसमें। और एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है और वो ये है कि ये आपका अपना घर है या आपने का रेंट का घर है, आपने किराए पे ले रखा है। तो मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना ही घर है। देखो, घर बड़ा है, छोटा है, कितने कमरे हैं, सब पूछते हैं आप लोग, कितने कमरे हैं, खूब कमरे हैं, खूब ढेर सारे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इससे आप मुझे जज मत करिए। अगर मतलब मेरा घर कितना बड़ा है, मेरे पास क्या है, ये सब ना किसी भी पर्सनैलिटी को जज करने के फैक्टर नहीं होते हैं। आप मुझे जज करिए कि मुझे क्या आता है, मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूँ, मैं कितनी प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। देखो, अगर घर इतना बड़ा नहीं, घर के बड़े होने से क्या मेरी कोई खुशी है, बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे पास एक अपने लिए एक छत है मेरी, बट इससे ये फर्क नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर के होने की वजह से जो है मेरी अपनी पहचान है। तो घर का बड़े होना, छोटा होना, घर में सामान होना या ना होना, ये बिल्कुल भी मेरे लिए मैटर नहीं करता है। और
घर के लिए तो कितना भी सामान ले आओ, देखो ये घर है ना खूब बड़ा है, मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भी है, कुछ के पास है नहीं है, मतलब एक अलग पॉइंट है। और उसमें जो है अगर मैं इस घर को अभी सोचूं कि मैं इसको ऐसे डेकोरेट कर लूं वैसे कर लूं, तो मैंने सेविंग कर रखी है तो मैं करा सकती हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा, मुझे किसी और को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है कि मेरे पास क्या है, मुझे एक्चुअली खुद को खुश करने के लिए कुछ करना है। तो जो मैं अपना घर जैसे भी रखती हूँ, मेरा मन करता है मैं चेंज करती चली जाती हूँ, अपने घर को अपने तरीके से रखती हूँ और इसमें मैं खुश रहती हूँ। दूसरा, मैं कभी वो काम नहीं करती जिससे मुझे ये लगे कि मैं इसको दिखाने के लिए काम करूं, पर्टिकुलर इस पर्सन को दिखाने के लिए काम करूं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। मुझसे एक बार ये कहा था कि घर में ना ये कलर नहीं होता है, अगर कोई ये कहते ये सामान ना सोफा रखना ही चाहिए, ये होता है एक्चुअली, ये होता है, ऐसा कलर कराना चाहिए, दरवाजे इसी कलर के होते हैं, या ये चीज ऐसे ही होती, कहाँ लिखा है। घर मेरा एरिया है, इसे मैं वैसे रखूंगी जैसा मेरे घर के लोगों को अच्छा लगेगा, उन्हें आराम मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा और मेरा घर को मैं मैनेज कर सकूं, मैं ऐसे रखूंगी। जैसे कोई मुझे कहेगा नहीं घर के बाहर ना ये नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगता ये ऐसा नहीं रखा जाता, मतलब ये कहाँ है, कहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं रखा जाता या यहाँ पे ये नहीं रख सकते, ये सब चीजें बिल्कुल बेकार की होती हैं। अगर कोई कहे कि एक ड्राइंग रूम होना चाहिए घर में, भाई क्यों होना चाहिए, मेरे घर की अगर जरूरत होगी तो होगा, नहीं अगर मैं नहीं रखना चाहती हूं तो वो नहीं होगा। तो हर एक चीज ना अपने हिसाब से करो जो आपको अच्छा लगता है, और उसे कॉन्फिडेंट होके करो। किसी के कहने से या किसी को अच्छा लगाने के लिए मैं अपने घर को चेंज कर दूं तो वो सब चीजें बिल्कुल बेकार होती हैं। तो मेरे जो भी घर है इससे मुझे बिल्कुल जज मत करिए। इससे पहले वाला जो मेरा घर था ना वो बहुत छोटा था, हालांकि कोठी थी वो एक बहुत बड़ी, लेकिन जो मेरा एरिया था ना जिसमें मैं रहती थी वो एक कमरे थे, वो एक कमरा था, तो उसमें मैंने अपनी लाइफ निकाली। और जो मेरी किचन थी, कभी मैं आपको उसकी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, है मेरे पास, वो बिल्कुल ओपन किचन थी और उसमें मैं कर्टेंस इस तरह से लगाया करती थी कि मेरी वो किचन भी बहुत अच्छी लगा करती थी। क्यों? क्योंकि मैं वहां खुश रहती थी, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी किचन छोटी है या कैसी है, उसकी तो देखो ऐसी है ना, मेरी किचन को मैंने, मेरे पास ये है और इसको मैंने इस तरह से रख रखा है कि ये अच्छी लगती है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी। तो आपका घर कैसा है और आपने उसे किस तरह से रख रखा है, वो उस चीज के ऊपर फोकस करो। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, बहुत अच्छे शब्दों में मैं शायद नहीं बोल पा रही हूं। तो इस तरह से चीजों को जो है आप मैनेज करिए। तो देखो वीडियो तो लंबा होता जा रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कुछ इस तरीके के वीडियोस बना के अच्छी तरीके से प्लान्ड वे में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। आज तो बस मैंने रैंडम कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर ली हैं, तो यही था कुछ क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स कहना तो बहुत कुछ है कि कुछ मतलब इतना सारी चीजें मन में आती ना फिर मैं उन्हें खा जाती हूँ सारी चीजों को कि नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्लीज कुछ भी चीज जो वाकई आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं या कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो कोशिश करूंगी कि कोई एक टॉपिक उठा के आपके साथ बात करूं। तो फ्रेंड्स शानू गया है केक लेने, मैं केक नहीं बना पाई, अब देखो उसे मिलता है कि नहीं मिलता है। केक जो है मैं आप सबकी तरफ से कट करूंगी और खिला तो सकती नहीं हूं, तो इस तरह से ही आप लोग साथ दीजिएगा। और लाइफ के जो कुछ कड़वे अनुभव है ना उनको भूल जाइए, भूलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसने हमारी लाइफ का वो हिस्सा खराब करा होता है जिसे हम लौट के नहीं ला सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ के जो है कुछ अच्छा करके उन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर शानू ले आएगा तो केक काटते हैं और फिर मिलूंगी अपने प्लान्ड एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।